आईपीएल 2024 के 37 मुकाबले कंप्लीट होने के बाद बदला पूरा पॉइंट्स टेबल। क्वालिफाई का समीकरण हुआ थे, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस हुई तेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के 37 मुकाबले कंप्लीट होने के बाद क्वालिफाई का समीकरण पूरी तरह से तय हो चुका है। जहां पर 3 टीमों का क्वालिफाई मैच जाना तय है, तो अब तक 3 टीमें पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो इसके साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इन 37 मुकाबलों के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाज और गेंदबाज कौन से हैं। इसके साथ ही क्वालिफाई का क्या समीकरण रहेगा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इसे एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स इसके साथ ही गुजरात टाइटंस की टीम की ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले पॉइंट्स टेबल के पूरे हाल के बारे में। तो फिलहाल आखिरी पायदान से हम बात करें तो आखिरी पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है, जहाँ पर आरसीबी की टीम ने आईपीएल के 8 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता, 7 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 2 पॉइंट मौजूद है। नेटन रेड -1.04 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 10 पर जगह बना रखी है। यानी कि आरसीबी की टीम के पास अब यहां से 6 मुकाबले बचे हुए हैं। लेकिन अगर ये टीम 6 मुकाबले को जीत भी जाती है, फिर भी यह टीम अब क्वालिफाई की राह से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। यानी कि सभी मुकाबलों को जीत कर भी यह टीम अब टॉप 4 में अपनी जगह नहीं बना सकती है। तो वहीं पर नंबर 9 पर मौजूद है अब पंजाब किंग्स की टीम, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल के 8 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 4 पॉइंट मौजूद है। नेटन रेड -0.356 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 9 पर जगह बना रखी है। यानी कि पंजाब किंग्स की टीम के पास अब यहां से 6 मुकाबले बचे हैं। अगर ये टीम 6 ही मुकाबले को जीत भी जाती है, फिर भी अब क्वालिफाई की राह से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो एक पर नंबर 8 पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल के 8 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 6 पॉइंट मौजूद है। नेटन रेड -0.477 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 8 पर जगह बना रखी है। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास भी अब 6 मुकाबले बचे हैं। अगर ये टीम 6 मुकाबले को दमदार तरीके से जीत भी पाती है, फिर भी यह टीम अब लगभग यहां से पूरी तरह से बाहर होती हुई दिखेगी। और इस टीम के मात्र अब 20% चांस है कि अब यह टीम क्वालिफाई कर पाएगी। तो पर नंबर 7 पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने भी आईपीएल के 7 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 6 पॉइंट मौजूद है। नेटन रेड -0.133 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 7 पर जगह बना रखी है। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास भी अब यहाँ से 7 मुकाबले बचे हुए। अगर ये टीम 7 मुकाबलों को बेहतरीन तरीके से जीत पाती है, तो ये टीम अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास यहाँ से 40% चांस बनते हैं कि यह टीम अभी भी क्वालिफाई में अपनी जगह बना सकती है। तो ये पर नंबर 6 पर गुजरात टाइटंस की टीम ने अपनी जगह बना ली है, जहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल के 8 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 4 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद है। नेटन रेड -1.032 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 6 पर जगह बना रखी है। यानी कि गुजरात टाइटंस की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां से नंबर 6 पर जगह बना ली, और अब इस टीम के पास 6 मुकाबले बचे हुए हैं। और बचे हुए 6 ही मुकाबलों को दमदार तरीके से जीत कर यह टीम अभी भी क्वालिफाई में अपनी जगह बना सकती है। तो वहीं पर नंबर 5 पर मौजूद है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम, जहां पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने आईपीएल के 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद है। नेटन रेड +0.123 के साथ इस टीम ने फिलहाल नंबर 5 पर जगह बना रखी है। यानी कि लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के पास अब यहां से 7 मुकाबले बचे हुए हैं, जिसमें से इस टीम को 6 मुकाबले दमदार तरीके से जीतने होंगे और यह टीम टॉप 4 में अपनी जगह बनाते हुए क्वालिफाई कर सकती है। यानी कि लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के यहाँ से 60% चांस बनते हैं
कि ये टीम अब क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो इस पर टॉप फोर टीमों की हम बात करें तो फिलहाल नंबर चार पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है, जहां पर सीएसके की टीम ने आईपीएल के 7 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद है। नेट एंड रेड प्लस 0.529 के साथ इस टीम ने नंबर चार पर जगह बना रखी है, यानी कि कोच यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास भी अब 7 मुकाबले बचे हुए हैं, जिसमें से इस टीम को यहाँ से 6 मुकाबले दमदार तरीके से जीतने होंगे और ये टीम टॉप फोर में जगह बनाए रख सकती है और क्वालिफाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार होती हुई दिखेगी। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के भी यहाँ से 70% चांस बनते हैं कि अब यह टीम क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो इस पर नंबर तीन पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है, जहाँ पर हैदराबाद की टीम ने आईपीएल के 7 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 10 पॉइंट मौजूद है। नेट एंड रेड प्लस 0.914 के साथ इस टीम ने नंबर तीन पर जगह बना रखी है, यानी कि हैदराबाद की टीम के पास भी यहां से 7 मुकाबले बचे हुए हैं, जिसमें से इस टीम को अपने 5 मुकाबले दमदार तरीके से जीतने हैं और ये टीम बेहतरीन फॉर्म में उतरते हुए क्वालिफाई कर जाएगी। यानी कि इस टीम के यहां से 75% चांस बनते हैं कि अब की बार ये टीम क्वालिफाई में अपनी जगह बनाएगी। तो इस पर टॉप टू टीमों में फिलहाल नंबर दो पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल के 7 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 10 पॉइंट मौजूद है। नेट एंड रेड प्लस 1.206 के साथ इस टीम ने नंबर दो पर जगह बना रखी है, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की फॉर्म को देखते हुए अब इस टीम को अपने 7 मुकाबलों में से मात्र 5 मुकाबले जीतने हैं और यह टीम यहां पर 95% चांस के साथ क्वालिफाई में उतर सकती है। तो ये पर नंबर वन पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी 7 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 1 मुकाबला हारा। इस टीम के पास 12 पॉइंट मौजूद है। नेट एंड रेड प्लस 0.677 के साथ इस टीम ने नंबर वन पर जगह बना रखी है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास भी अब 7 मुकाबले बचे हुए हैं, जिसमें से इस टीम को मात्र 4 मुकाबले जीतने हैं और ये टीम भी क्वालिफाई में अपनी जगह बना लेगी। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के यहाँ से 100% चांस बनते हैं कि इस बार ये टीम क्वालिफाई में पहुँचेगी। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम कहते हैं कि इस बार ये टीमें क्वालिफाई में अपनी जगह बना पाएगी। तो हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम में अभी भी होड़ मची हुई है कि इन टीमों में से कोई दो टीमें रहेगी जो इस बार क्वालिफाई में अपनी जगह बनाएगी। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करें यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बारे में। तो सबसे पहले ऑरेंज कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाजों की हम बात करें तो नंबर 5 पर हिटमैन रोहित शर्मा मौजूद है, जिन्होंने अपने 7 मुकाबलों में 297 रनों की शानदार पारी खेली है। तो नंबर 4 पर गुजरात टाइटन्स की टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अपनी जगह बना ली है, जिन्होंने अपने 8 मुकाबलों में 298 रन बनाए। तो फिलहाल नंबर 3 पर रियान पराग मौजूद है, जिन्होंने अपने 7 मुकाबलों में 318 रनों की शानदार पारी खेली। तो नंबर 2 पर ट्रेविस हेड पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अपने 6 मुकाबलों में 324 रन बनाए। तो नंबर 1 पर विराट कोहली ने जगह बना रखी है, जहां पर कोहली ने अपने 8 मुकाबलों में 389 रनों की शानदार पारी खेल के दिखाई और इसी के साथ ही फिलहाल इन्होंने ऑरेंज कैप अपने सर पर सजा रखी है। तो ये पर पर्पल कैप की रेस के टॉप 5 गेंदबाजों की हम बात करें तो फिलहाल नंबर 5 पर पंजाब किंग्स की टीम के सैम करन मौजूद है, जिन्होंने अपने 8 मुकाबलों में 11 विकेट चटकाए। तो नंबर 4 पर गेराड कोटेजी मौजूद है, जिन्होंने अपने 7 मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए। तो नंबर 3 पर युजवेंद्र चहल ने अपनी जगह बना रखी है, जिन्होंने अपने 7 मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए। तो नंबर 2 पर हर्षल पटेल मौजूद है, जहां पर हर्षल पटेल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 8 मुकाबलों में 278 रन देकर 13 विकेट चटकाए। तो नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह मौजूद है, जिन्होंने अपने 7 मुकाबलों में मात्र 167 रन देकर 13 विकेट चटकाए और इसी के साथ ही फिलहाल पर्पल कैप अपने सर पर सजा रखी है। यानी कि पर्पल कैप की रेस में फिलहाल नंबर 1 पर जसप्रीत बुमराह मौजूद है, तो हर्षल पटेल भी काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। तो इस पर ऑरेंज कैप फिलहाल विराट कोहली ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने सर पर सजा रखी है।
तुम्हीं पर टॉप फोर टीमों में फिलहाल राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की स्थिति काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है, तो गुजरात टाइटेंस की टीम भी शानदार फॉर्म में उतर चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस इसके साथ ही गुजरात टाइटेंस और लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम में से कौन सी टीम क्वालिफाई का मुकाबला खेलने पहुँचेगी? आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।